सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही नेपोटिज्म का मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा चुका था, जहां पर हर कोई नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर निशाना साधता नजर आ रहा था। और अब इसी नेपोटिज्म मुद्दे पर खुलासा करती नजर आई है फराह खान। दरअसल पिंच के सीजन 2 में जल्द ही फराह खान नजर आएगी। शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें फराह ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। पिंच के पिछले 6 एपिसोड में खुलासे किए गए और यहां पर कई सारी सच्चाई भी सामने आई। आपको बता दें कि फराह खान मेहमानों की भीड़ में शामिल हो चुकी है। प्रोमो में फराह खान ने कबूल किया है कि वो उन ऑसिस को ब्लॉक करती है जो उन्हें निर्देशक 30 मार खान के लिए ट्रोल करते हैं, ये कहकर भाई अब 10 साल हो चुके हैं, अब तू आगे बढ़। फराह ने ये कहकर ट्रोलर्स के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा, जिसके बाद उन्होंने अपने पास फोन रखा। वो क्रिटिक है और हमारे फिल्म के लिए उन्हें सब कुछ मालूम है। इसी के साथ फराह खान ने आगे ये भी बताया कि अगर उसने ट्विटर पर हेलो भी लिखा तो ट्रोलर्स उस पर भी कहते हैं नमस्ते नहीं बोल सकती, सलाम नहीं बोल सकती। जब एक यूजर ने स्लिम होने के लिए बच्चों को लेकर मजाक उड़ाने की कोशिश की तो फराह खान ने कहा तू अपने बच्चों का संभाल, मैं अपने बच्चों को संभालूंगी। फराह खान ने ट्रोलर्स को पाखंडी बताया और गंभीरता से वो बिल्कुल भी नहीं लेती। आपको बता दें कि फराह खान ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर भी खुलासा किया। फराह खान ने कहा कि भले ही आप सब नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को शाहरुख खान की बेटी और करीना कपूर के बेटे की तस्वीर देखना पसंद है। इसके अलावा फराह खान ने एक और मजेदार किस्सा शेयर किया। फराह खान ने कहा कि उन्होंने सिंगर एड शीरन के गानों की तुलना मैयत के गानों से की है, और अगर प्रोमो इतना ज्यादा मजेदार है तो आप इसका अगर एपिसोड देखेंगे तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये है पूरी खबर फराह खान को लेकर, जहां पर फराह खान ने किया खुद ट्रॉलर्स और नेपोटिज्म को लेकर जमकर खुलासा। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।